सोचते कि शेर को मारना चाहे तो शेर को तो कोई नहीं मार सकता। मतलब महिपाल मकराना जब बैठे थे उनको उठ करके थप्पड़ मारा गया, तो मैं तो यही कहूंगी कि देखो आपने गलत किया है, समाज के आप हैं, समाज के महिपाल मकराना हैं। अगर आपकी कोई छोटी मोटी बात थी तो आपको बैठ के सुलझाना चाहिए था। मैं इस बात का खंडन करती हूँ। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की है, थी और रहेगी। ये 5 दिन में करणी सेना नहीं बनती भैया, वो एकदम फ्रेश आके लगे हैं। 5 दिन या 20 दिन हुए हैं उनको लगे और 5 या 10 दिन के फेवर में ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, मैं नहीं मानती। पुलिस ने कहीं कुछ गलत किया तो पूरे राजस्थान में आग जलेगी। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना के बीच विवाद ने शुक्रवार रात हिंसक रूप ले लिया है। शिव सिंह शेखावत ने आरोप लगाया है कि मकराना 4 लोगों के साथ उनके कार्यालय में आए और फायरिंग की। इस दौरान उनके सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोगों ने मकराना और उनके साथियों को पकड़ लिया और मारपीट की, जिससे मकराना घायल हो गए। यह घटना शेखावत के चित्रकूट स्थित कार्यालय में रात करीब 8:30 बजे हुई है। वहीं मकराना की पत्नी वर्षा ने शिव सिंह और उनके साथियों पर फायरिंग का आरोप लगाया है। उनके अनुसार महिपाल को धोखे से बुलाकर मारा गया है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग के वीडियो भी सामने आए हैं। पुलिस ने देर रात तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। शेखावत ने बताया कि मकराना ने शुक्रवार को उनके छोटे भाई को फोन करके मिलने की बात कही थी। जब वे उनके कार्यालय पहुंचे तो नशे की हालात में थे और बातचीत के दौरान फायरिंग कर दी। गोली जमीन पर लगी, इसके बाद उनके गनमैन ने मकराना के सिर पर बट से वार किया। वह इसके बाद वर्षा मकराना का कहना है कि उनके पति को धोखे से बुलाकर हमला किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिव सिंह और उनके साथी पहले से ही हमले की योजना बनाकर बैठे हुए थे और मकराना के अकेले आने पर उन पर हमला किया। हम यही मांग लेके आए हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, इन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए। इन लोगों ने धोखे से बुलाया, वहाँ धोखे से बुला के खुद ने फायरिंग करी है और उसके बाद ये बोला गया कि महिपाल सिंह ने फायरिंग की है। और वो शिव सिंह जी आ रहे हैं उसमें, लाइव आ रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, अगर आप ये देखो अभी उनकी कोई चोट लगी है क्या? बिल्कुल नहीं लगी है। आप महिपाल सिंह जी की हालत देख के आए जाके, तो इन्होंने पीछे से वार किया है ना, सामने से वार थोड़ी किया, पीछे से वार किया है। तो शेर, ये सोच रहे थे कि शेर को मारना चाहे तो शेर को तो कोई नहीं मार सकता है ना। तो मैं तो यही प्रशासन से यही कहना चाहूँगी, अगर मुझे न्याय मिलना चाहिए, अगर इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता तो जयपुर बंद किया जाएगा। नाइट में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ थी उन्हें, पूरी नाइट नहीं सोए वो, और अभी मॉर्निंग में थोड़ा सा बेटर हैं। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन है? उन्होंने कहा है कि हम जो भी होगी इंक्वायरी करेंगे और जो भी होगा आपको न्याय दिलाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि फायरिंग शिव सिंह की तरफ से की गई थी और मकराना पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई ने बताया कि दोनों पक्षों के पास गनमैन है और उनसे पूछताछ की जाएगी। घटना की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि मौके पर फायरिंग के खाली केस मिले हैं, लेकिन फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी है। मारपीट में मकराना घायल हो गए थे और उन्हें SMS अस्पताल ले जाया गया। ये चित्रपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में झगड़े की सूचना और इसमें फायरिंग होने की सूचना मिली, इसमें पुलिस हमारे मौके पर पहुंची, इसमें खाली केस इत्यादि जो है मौके पर मिला है। तो इस घटना की पुष्टि की जा रही है, फायरिंग से किसी को कोई चोट होने की कोई किसी तरह की बात सामने नहीं आई, मारपीट में चोट लगी है, उसकी इलाज चल रहा है। अभी दोनों पक्षों से पूछताछ चल रही है, उस पर अग्नि विधि संगत कार्रवाई, जैसा रिपोर्ट और अन्य जो फुटेज वगैरह और अन्य जो जाँच तथ्य सामने आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि शाम को, रात को ही मुझे पता चला कि महिपाल जी के साथ मारपीट हुई है, तो बिना कुछ सोचे समझे मैं हॉस्पिटल गई और जा करके मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा।
वहाँ जाने के बाद में उनसे उनके खुद के मुँह से मैंने सुना, वो बोलेगी देखिए भाभी साहब मुझे फ़ोन आया, और फ़ोन आने के बाद में वो बोलेगी एक बार आओ हम बैठते हैं बातें करते हैं, और जो भी अपने संगठनात्मक बातें हैं सामाजिक बातें हैं वो आपस में रखते हैं। तो फिर उसके बाद मैं चला गया, और जाने के बाद में जैसे हमारी बातें चली और कहा गया कि भाई जो करणी सेना है चाहे सुख जी की हो चाहे मेपाल मकराना की हो चाहे किसी और की हो वो हम एक कर देते हैं, तो मेपाल जी ने कहा कि नहीं करणी सेना तो एक ही है अब अलग कहाँ से हो गई। तब बोलेगी देखो अब आप ये बात मत कहो विलय नहीं कर सकता मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे को रहना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं रहूँगा। इतनी बात कहने के बाद में उन्होंने थप्पड़ मारा उनको, मतलब मेपाल मकराना जब बैठे थे उनको उठ करके थप्पड़ मारा गया। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो आपने गलत किया है, समाज के आप हैं समाज के मेपाल मकराना हैं, अगर आपकी कोई छोटी मोटी बात थी तो आपको बैठ के सुलझाना चाहिए था, अदरवाइज अगर आपसे नहीं सुलझती है तो कोई हमारे समाज में कोई बड़े भी तो होंगे ना हमसे एज में, उन लोगों की राय लेते और निष्पक्ष तरीके से आप अपना और वो अपना दोनों अपने पक्ष रखते तो शायद कुछ हो सकता था जी। नहीं पुलिस प्रशासन तो वही है अभी साथ देने के लिए खड़े हैं, इन लोगों ने कहा है कि भाई जो भी होगा निष्पक्ष जांच होगी, ना तो हम उनके फेवर में है ना हम इनके फेवर में है, लेकिन जहां भी न्याय होगा न्याय उचित बात होगी हम वो रखेंगे। मैं इस बात का खंडन करती हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की है थी और रहेगी। अब ये शिवसेना है या क्या सेना है, राष्ट्रीय सेना है क्या है, ये पाँच दिन में करनी सेना नहीं बनती भैया, कम से कम 20 साल इसको समाज को अपना संग सहयोग देना पड़ता है, अपना मतलब जितना दम होता है वो दम देना पड़ता है, ऐसे संग ऐसे संस्थाएं नहीं बनती। नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, एकदम फ्रेश आके लगे हैं, 5 दिन या 20 दिन हुए हैं उनको लगे और 5 या 10 दिन के फेवर में ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है मैं नहीं मानती। मामला दर्ज दोनों तरफ से, ये पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर पुलिस ने कहीं कुछ गलत किया तो पूरे राजस्थान में आग जलेगी, वो मेरी करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगर उसके साथ इस प्रकार की घटना हो सकती है तो आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल पूरे राजस्थान में आंदोलन होगा अगर कुछ गलत हुआ तो। ये घटना राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर 5 दिसंबर को हुए हमले की याद दिलाती है, जब दोपहर में उनके घर में घुसकर बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उस घटना में गार्ड अजीत सिंह और नवीन शेखावत भी घायल हो गए थे। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।